Hello students, I welcome you for a very, very important session on the preparation of aldehydes and ketones. देखिए आज जो reactions हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही important हैं और exam में बहुत बार आती हैं। हम discussion करने जा रहे हैं preparation of aldehydes के ऊपर। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जिनके नेम रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं और इसके ऊपर हम ऑलरेडी यूट्यूब में अपने वीडियो डाल चुके हैं जिसमें इनका मैकेनिज्म भी हमने शो किया है, तो स्टूडेंट्स जरूर उसको देखें। 4-4, 5-5 मिनट की वो वीडियो है जिसमें हमने ये सारे डिस्कशन किए हैं और ये जरूर आती हैं पेपर में। लास्ट ईयर भी ये रिएक्शन पेपर में थी। सबसे पहली जो रिएक्शन आपको दिख रही है स्टूडेंट बोर्ड पे, मैं कह रहा हूँ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। स्टूडेंट हम बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स के बारे में तुम्हें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, RCDBONDOH, ये है हमारा एल्डिहाइड। स्टूडेंट ये बनाना है हमने। अब ये देख रहे हैं RCHO बनाना है और एक बहुत ही फेमस रिएक्शन का नाम लिखा गया है यहाँ पर ऊपर जिसका नाम है रोजनमंड रिएक्शन और ये बहुत बार पेपर में आ चुकी है रोजनमंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स की एक एसिड क्लोराइड होता है, यहाँ पे हमने लिखा है एसिड क्लोराइड, मतलब एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड बनाएंगे। बताइए एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या हमें पता है स्टूडेंट? एसिड क्लोराइड क्या होते हैं? ये वाले कंपाउंड जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। ये देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। RCOOH को मैंने हटा के Cl लगा दिया स्टूडेंट, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड से हमने एल्डिहाइड बनाना है। तो ये वाली Cl बाहर जानी है और हाइड्रोजन अंदर आनी है, तो हमने करनी है रिडक्शन, मतलब इसकी रिडक्शन करनी है लेकिन कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो रही। मतलब हमारा ये है स्टूडेंट कि इस रिएक्शन में हम जो यूज करने जा रहे हैं हमने करनी है रिडक्शन और रिडक्शन के लिए आपको पता है एक रिड्यूसिंग एजेंट कैटालिटिक रिडक्शन का नाम आपने सुना है। तो हाइड्रोजन के साथ जब मैं रिडक्शन करता हूँ बताओ स्टूडेंट्स कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको यूज किया जाता है, कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जाता है? इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आप नाम बताइए कोई कैटालिस्ट जो हम डाल सकते हैं। पैलेडियम का नाम सुना है? हां जी सर। पीडी। प्लैटिनम का भी सुना है, निकल का भी सुना है कैटालिटिक, जब मैंने रिडक्शन की थी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने हाइड्रोजन डाल दी और पैलेडियम डाल दिया, पैलेडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग जो स्टूडेंट चाहे मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको आप सुन सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से हैं, वो कैटालिस्ट के लिए काम आते हैं, उसमें पैलेडियम का यूज मैंने किया है। अगर मैंने ये डाल दिया तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि ये ये भी ऑक्सीजन भी गई और Cl भी गया, और अगर सब कुछ चले गए तो फिर क्या बन जाएगा बताओ? कि अगर मैंने कंप्लीट रिडक्शन कर दी इसकी, अगर कंप्लीट रिडक्शन हो गई स्टूडेंट तो क्या बनने वाला फिर? आर के पर क्या फिर लगेगा? CH3। ये कंप्लीट रिडक्शन हो गई, बोलो हो गई? ये सब रिड्यूस हो गए, ऑक्सीजन भी आउट, Cl भी आउट और हाइड्रोजन लग गए, तो इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिडक्शन। लेकिन मुझे तो एल्डिहाइड बनाना है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करनी, तो फिर हम कौन सी रिडक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट? अब ये हम एक तरीके से पार्शल रिडक्शन कर रहे हैं। ये रिडक्शन हमारी जो है स्टूडेंट्स पार्शल रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। तो इसलिए आप बुक में देखेंगे स्टूडेंट, उसने बुक में क्या लिखा हुआ है, रोजनमंड रिएक्शन में उसने क्या किया, इसमें बेरियम सल्फेट डाल दिया। अब ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है और हाइड्रोजन है स्टूडेंट, इसका हमने यूज किया है। तो अब इसमें क्या होगा, जो रिडक्शन होगी वो पार्शियल रिडक्शन होगी, वो कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगी। और एक सॉल्वेंट होता है बॉइलिंग जाइलीन, सॉल्वेंट होता है बॉइलिंग जाइलीन, जाइलीन एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने ये डाला और इसको हीट कर दिया, बॉयल कर दिया, तो हमारे को मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है स्टूडेंट्स? ये एसिड क्लोराइड है और ये क्या मिल गया? एल्डिहाइड। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका मतलब इस पे स्टार लगाया जा रहा है। स्टूडेंट्स बहुत बार पूछी जा चुकी है, फिर आएगी, कैसे आएगी वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। पहले इसको समझना जरूरी है, ये स्टार है, इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी रिएक्शन आज डिस्कस होंगी ये सारी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम आपको समझ में आया, इसे बोला रोजनमंड ने, ये बनाई थी रिएक्शन। अब उसने ये पूछा भाई ये बेरियम सल्फेट क्यों डाला गया है? अगर बेरियम सल्फेट नहीं डालूंगा स्टूडेंट्स तो ये रिएक्शन सीधी क्या होगी, ये फर्दर रिडक्शन हो जाएगी, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। तो कंप्लीट रिडक्शन हमें नहीं चाहिए, इसके लिए उसे स्टॉप करना पड़ता स्टूडेंट। तो इसके लिए इसमें इसको पॉइजन किया जाता है। तो बेरियम सल्फेट एक तरीके से बेरियम सल्फेट होता है और इसमें वो थोड़ा सा सल्फर और या क्विनोलिन भी डालते हैं, और सल्फर भी थोड़ा सा डालते हैं या क्विनोलिन डालते हैं। ये क्या काम करते हैं, पॉइजन का काम करते हैं। पॉइजन क्या करती है कि इसकी रिएक्शन को आगे नहीं होने देती, ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाता है रिडक्शन, इसके फर्दर रिडक्शन को स्टॉप कर देती है। नहीं तो फर्दर रिडक्शन हो सकती है, क्या हो सकती है, फर्दर रिडक्शन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बेरियम सल्फेट स्टूडेंट? द बेरियम सल्फेट कंप्लीट रिडक्शन। हाँ, तो कंप्लीट रिडक्शन नहीं होती, हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो इससे हमें एल्डिहाइड मिल जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, वो मैं लिख रहा हूँ। अब देखो जब तुम्हें रिएक्शन समझ में आ जाती है तो हम क्वेश्चंस आपको जरूर करवाते हैं, क्वेश्चन ही तो पेपर में आने हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर में ये आया था, उसने लिखा था आपको पेपर में, उसने ऐसे दिया था, ठीक है। और उसने लिखा, उसने क्या लिखा था इसमें, हाइड्रोजन उसने दिखाई आपको, और फिर लिखा पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब इसका प्रोडक्ट लिखना था स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट लिखना था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको ये कहा कन्वर्ट CH3COCl इनटू CH3CH। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपको मिले 30-30 सेकंड दोनों क्वेश्चन से। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए, आप मेरे साथ डिस्कशन करते रहिए, क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करिए ताकि हमें याद हो जाए सारी चीजें, हम एग्जाम में इसको बड़े कॉन्फिडेंस से कर पाए। तो पहले केस में क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। तो उसका नाम बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताओ स्टूडेंट। क्या कंपाउंड बनाया है मैंने, बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, ये क्वेश्चन में पेपर में आने वाला है, इसका किसी तरीके से भी पूछेगा। क्या नाम है इसका, एक मिनट अभी रिवाइज करो, याद करो। मैंने इसका नाम बताया था, IUPAC नेम भी बताया था, ये मैंने कहा था बहुत आने वाला पेपर में। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत फेवरेट होती हैं, बार बार आती हैं। बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड का नाम कितनी बार हम बता चुके हैं स्टूडेंट, इसको IUPAC में भी इसने बेंजाल्डिहाइड मान लिया गया। बेंजाल्डिहाइड, तो आपको हमने बताया कि ये बेंजाल्डिहाइड बना हमारा, और इसमें इसने कहा इसको कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन बताओ। तो आपने कहा कि इसके लिए हमने कौन सी रिएक्शन लिखनी है, रोजनमंड रिएक्शन। हम रोजनमंड रिएक्शन करनी है स्टूडेंट, रोजनमंड रिएक्शन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके दिमाग में डाला जा रहा है। तो हमने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड Cl डाला, और फिर हाइड्रोजन गैस डाली है, और ऊपर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाला है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, CH3CHO। इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, एथेनॉइल क्लोराइड, और क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने, एथेनॉल। अब रिएक्शन का नाम क्या है, रोजनमंड रिएक्शन। हो गया ये आंसर? हाँ जी सर। अब देखो कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बस इतना ही लिखना था हमें पेपर में, मैं 1 नंबर मिल जाता। और अगर इसने ये पूछा कि बताओ कि इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट और सल्फर को क्यों डाला गया है, तो आपने ये बताया कि इस को they are used to, they act as poison. Otherwise further reduction will take place. Otherwise इसके आगे reduction हो जाएगी student, आगे reduction हो जाएगी. तो आगे reduction क्या होगा? देखो ये इसकी अगर हम देखें क्या क्या हो सकता है आगे रिडक्शन, मैंने अभी बताई, मेरा पेन देख रहा हूँ कहाँ है, ये लो. तो आगे रिडक्शन मैंने ये बताई, अगर इसकी आगे रिडक्शन हो जाएगी तो पहले तो ये अल्कोहल बन जाएगा और फिर ये उसके आगे भी रिड्यूस हो सकता है अगर चलती रहे प्रोसेस. तो इस तरह से अगर आगे ये रिड्यूस हो जाता है एथेनॉल तो फिर क्या होता है CH3 CH2OH बन जाता है और वो भी फर्दर रिड्यूस कर दूंगा तो फिर क्या होगा. तो इस तरह से फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए ये सब किया गया क्योंकि वो फिर एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दिस डज नॉट परमिट फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल. ये प्राइमरी अल्कोहल थे, इसने स्टॉप कर दिया, इसने पॉइजन कर दिया, फर्दर रिडक्शन को स्टॉप कर दिया. तो ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसे लिंडलार रिएजेंट कहते हैं, लिंडलार रिएजेंट कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फिर आएगा इसके बारे में डिस्कशन. तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी जो थी वो है रोजनमंड रिएक्शन. अब ये कहता है कि क्वेश्चन 3 आ गया था आपको किसी एग्जाम में, कैन वी प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड बाय रोजनमंड रिएक्शन. अब ये कौन सा है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये बनाया जा सकता है इस रिएक्शन से स्टूडेंट. अब इसका आंसर मैं बता दूं तुम्हें, नो ये नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए जो मुझे चाहिए वो कौन सा चाहिए, HC डबल बॉन्ड OCl, ये वाला जो रिएजेंट होता है स्टूडेंट इसका क्या नाम है, फॉर्माइल क्लोराइड. ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, ये वाला जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है इसलिए ये नहीं बनता, इससे HCHO नहीं बनता. ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल है, टूट जाएगा, स्टेबल नहीं है, फॉर्माइल क्लोराइड स्टेबल नहीं होता तो इसलिए ये नहीं बन सकता फॉर्मेल्डिहाइड बाय रोजनमंड रिएक्शन. इसको भी नोट कर लिया हमने स्टूडेंट्स. जी सर. अच्छा वेरी गुड, हर चीज को नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन आंसर साथ साथ में हम कर रहे हैं. अब एक और रिएक्शन आ गई, इसके बारे में भी बहुत बार पूछता है, कई बार तो ये सीधा ही पूछता है व्हाट इज रोजनमंड रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, तो आपको इक्वेशन देनी पड़ जाएगी. अब आ गया स्टीफन, स्टीफन ने एक रिडक्शन की यूजिंग टिन क्लोराइड. तो इससे भी हम बना सकते हैं, इससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये बनता है फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स. देखो नाइट्राइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, क्या आपको नाइट्राइल्स के बारे में पता है स्टूडेंट, नाइट्राइल्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ, 30 सेकंड मिलते हैं हम दोनों को, जल्दी बताओ नाइट्राइल कैसे लिखते हैं. आर साइनाइड CN ग्रुप देखा है ना, RCN, यह नाइट्राइल ही होता है. इस नाइट्राइल को रिएक्ट किया जाता है स्टूडेंट टिन क्लोराइड और HCl के साथ. अब ये एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये इसको रिड्यूस करने वाला है, इससे बनता है RCH डबल बॉन्ड NH. इसको क्या बोलते हैं, इमीन, ये इमीन होता है IMINE. एक NH2 होता है उसको एमीन कहते हैं, RNH2 को एमीन कहते हैं, R डबल बॉन्ड NH को इमाइन कहते हैं, IMINE इमाइन कहते हैं. इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है स्टूडेंट एसिड मीडियम में, तो ये यहाँ से टूट जाएगा और क्या बना देगा, इसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगी और ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCHO. तो ये रिएक्शन है, इसे बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन स्टूडेंट. इस रिएक्शन का क्या नाम मैंने बताया, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने आपको बताई है. अब इसमें मैंने क्या किया है, ये नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप जो हमने लगाए हैं उनकी हमने रिडक्शन की है यूजिंग टिन क्लोराइड एंड HCl. होता क्या है कि ये टिन क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट SnCl2 ये HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है तो क्या बनता है SnCl4 और ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोजन बनती है स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, ये जो हाइड्रोजन बनती है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अब उसने क्वेश्चन ये दे दिया था, ये जब नाइट्राइल मीथेन के साथ लगा इसका क्या नाम है स्टूडेंट, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है इथेन नाइट्राइल। ये इसको ही साथ में मिला के कार्बन गिने जाते हैं इथेन नाइट्राइल, ये इथेन नाइट्राइल है। इथेन नाइट्राइल को हमने क्या किया एग्जाम में, उसने कहा टिन क्लोराइड और HCl और सेकंड फिर 1 लिखा उसने, सेकंड फिर लिखा H2OH+। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट लिखना है। आपको मिल रहे 30 सेकंड, तब तक मैं इसकी जगह खाली करके इसको बनाऊंगा। लो, आप इसको जल्दी से लिखो आंसर। ये तो नोट कर लिए थे सारे आपने लाल पेन वाले? जी सर। हो गया? अच्छा, जो भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं आते हैं उन सब का डिस्कशन चलता रहेगा। पहले मैंने रोजनमंड रिएक्शन बताई, मैंने कहा ये बहुत बार आ चुकी पेपर में। अब मैंने स्टीफन CH3CHO बन गया। अच्छा हाँ, तो ठीक है, इतना समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट। स्टीफन ने रिडक्शन करके सर, ये जो आपने ऊपर SnCl4 लिखा है ये भी लिखना है? नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि रिएक्शन कैसे हो रही है। एग्जाम में तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके याद करने की आसान करने के लिए किया गया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि रिएक्शन कैसे होती हैं। ये हमने इसलिए दिखाया स्टूडेंट। अब देखो कि मैंने क्या किया है, अभी एक मिनट, मैं आपको समझाने के लिए किया था वो सारा, ये सब समझाने के लिए किया था कि फर्दर रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, प्राइमरी अल्कोहल की भी रिडक्शन हो सकती है। इसलिए तुम्हें बताया कि इसीलिए बेरियम सल्फेट डाला गया था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही पूछ लिया था कि ये बेरियम सल्फेट का क्या रोल है यहाँ, और सल्फर भी थोड़ा डाला जाता है, तो वो पॉइजन का काम करते हैं ताकि रिएक्शन की रिडक्शन फर्दर ना हो। अगर हम तो एल्डिहाइड बना रहे हैं तो एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए उसने बताया। अब देखो कि यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन मुझे दिया, हमें CH3, देखो CH3 था, C ट्रिपल बॉन्ड N था स्टूडेंट, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, इथेन नाइट्राइल। देखो ये नाम कई बार देता है एग्जाम में, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब उसने एग्जाम में दे दिया इथेन नाइट्राइल, इससे कन्वर्ट करो, क्या बना रहे हैं इथेन नाइट्राइल से, एथेनॉल। तो फिर मुझे फार्मूले पता होने चाहिए, तो आपने यहाँ पे देखो टिन क्लोराइड और HCl से ये हाइड्रोजन निकली है, स्टूडेंट। तो ये क्या करेगी, ये वाली जो हाइड्रोजन आई है और HCl हमारे पास है, तो ये क्या करेगी, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लगाई है, एक इस पे लगी, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड का 1 बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा तो कितना बचेगा, डबल बॉन्ड। जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। याद करने के लिए मेरे अपने लिए, यहाँ पे मैंने 1 हाइड्रोजन लगा दी और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लगा दी मैंने, अब ये डबल बॉन्ड रह गया, इसका क्या नाम है, ये इमीन, इसको मैंने बोला ना इमीन। तो ये इथेन नाइट्राइल था, तो ये क्या बना है, इथेन इमीन है, ये उसकी इमीन है, आई वाली है ये। अगर NH2 होता तो वो अमीन होता, इथेन अमीन, तुम्हें पता है ना इथेन अमीन क्या होता है, एथनामीन। एथनामीन तुम्हें पता है CH3, अगर मैं CH3 CH2 NH2 लगा दूं तो ये क्या है, एथन अमीन, ठीक है, एथनामीन। तो ये एक ही जगह मैंने आई लगा दिया ना यहाँ पर, दिख रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड NH है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें पता है यही टूटने वाला है, जब मैंने इसमें वाटर और H2O और H+ डाला तो यही बॉन्ड टूटने वाला है, यही ही टूटेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे हमने इमीन बना दी। अब इमीन से ही हमने आगे, तुमने कहा कि H3O+ मतलब H+ और वाटर को H3O+ भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। तो ये क्या बन जाएगा फिर CH3CHO और ये NH3 का अमोनिया बाहर आ गया, और HCl है तो वो अमोनियम क्लोराइड बन गया इसके साथ मिलकर। तो इस तरह से हमें इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये बताना था। तो ये प्रोडक्ट बन गया। इस रिएक्शन का नाम हमें याद हो गया स्टूडेंट, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन क्या है ये भी पूछता है एग्जाम में। हमने यूट्यूब में इसको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो देख लें। स्टीफन रिएक्शन ये भी पेपर में आ चुका क्वेश्चन जो आपको करवाया गया है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सब पेपर में आ चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, प्रेपरेशन चल रही थी। प्रेपरेशन किसकी कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड की। दो मेथड बता दिए, तीसरा मेथड जो है वो और भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है वो। अब इसको लिखा हुआ है रिडक्शन बाय डाई बाल। हम लोग डाई का बाल आ गया, डाई का बाल आ गया भैया याद करने का। तो डाई बाल क्या है? इससे बनता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? डाई, यहाँ पे लिखा हमने डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोला जल्दी से बताओ दोबारा से पढ़ के, क्या लिखा मैंने? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन मुझे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपने देख लिया क्या होता है, एल्डिहाइड्स RCHO RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम नहीं चाहते कि अल्कोहल बने। तो ऐसे लिए हमें स्पेशल टाइप के जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं हम यूज कर रहे हैं। अगर तुमने कहीं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर दिया तो वो तो अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो उसके लिए ये भी एक रिएजेंट है जो बहुत यूज होता है और इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मैंने क्या नाम बताया? डाईबाल। अब देखो एक्चुअली में ये कैसे लिखोगे? आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो एल्यूमिनियम का तुम्हें पता क्या होता है? ये मेरा एल्यूमिनियम है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप का पता लग गया। आइसोब्यूटाइल हमने बनाए थे, बहुत बार बनाए थे। आइसोब्यूटाइल कैसे लिखते हैं? 1, 2 कितने कार्बन है? 3 और ये 4। बताओ ये ग्रुप जो बनेगा मेरा, ये CH3 लग गया, ये CH3 लग गया, यहाँ पे H लग गया। ये वाला इसका क्या नाम है? 1, 1, 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताओ ये क्या है? 1, 2। इसमें CH लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ये क्या है? 1, 2, 1, 2, 3। ये इस ग्रुप का क्या नाम है? इसको क्या बोलूंगा मैं? ये आइसोब्यूटाइल लिखा है मैंने, सही है या गलत है जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। तो ये एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप मैंने बनाया, तो तुमने कहा कि लो सर इसको बॉन्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं। बॉन्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि देखो ये और ये ये दो लगे CH वाले, CH3 एक कार्बन ये लगा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों ग्रुप सेम है, CH3 CH है। तो अगर ये एल्युमिनियम के साथ जुड़ गए, कितने डाई कह रहा है ये? 2 लगेंगे ना, एक इधर और एक इधर, ऐसे लग गए। हाँ जी। और एक हाइड्रोजन लगेगी, तो ये क्या बन गया? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। ऊपर H लगा दिया हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्राइड भी लिखा हुआ ना। अब होगा क्या कि जब इसको हम रिएक्ट कर देंगे स्टूडेंट नाइट्राइल या एस्टर के साथ, मतलब और देखना चाहो तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार फिर बता दो। ये CH3 है, इसका फॉर्मूला क्या बना? CH3 × CH, ठीक है, CH। ये क्या बना? ये वाला क्या बन गया? डाई, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, 2 लगे हुए। ये मुझे एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें वैसे दिखा रहा हूँ। एग्जाम में इसको कुछ भी नहीं करना मुझे, सिर्फ तुम्हारे को शो करने के लिए मैंने बनाया कि ये कैसे दिखेगा। मैं ऐसे दिखेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे सेम ग्रुप लगेगा CH3 twice, ये वाला ग्रुप। ये इसको मैंने दिखाया तुम्हें, तो ये इसका बॉन्ड लाइन दिखाया था। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इसकी कोई मुझे जरूरत एग्जाम में नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाई है। तो ये क्या करता है कि जब इसको रिएक्ट करता हूं मैं एस्टर के साथ या किसी भी नाइट्राइल के साथ, तो ये बना देगा हमें, क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। जैसे कि स्टूडेंट इसने एग्जाम में हमें दिया क्या दिया CH3 CH2 स्टूडेंट्स 9, फिर उसने लिखा C डबल बॉन्ड O और लिखा OC2H5। ये क्या है, एस्टर है, एक एस्टर है। आप इसके साथ उसने लिखा डाइबाल H। डाइबाल H क्या होता है, यही वाला जो कंपाउंड हमने बनाया है। सेकंड में उसने लिख दिया, ये नीचे वाटर मैंने लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस की जाती है, प्रोडक्ट जो बनते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है आपको, इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये एस्टर था RC डबल बॉन्ड O, इसका क्या बन गया, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है, H लग गया, ये एल्डिहाइड बन गया। देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो इसका हमें एल्डिहाइड बना दिया। और ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन की जाती हैं, ये सारी रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती है स्टूडेंट, लो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर करीब लो होता है अराउंड 195 केल्विन के करीब है, लो है। 273 तो किसका है, 273 केल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे बर्फ जम जाती है उससे भी कम है ये टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर है, यहाँ पे दिख रहा तुम्हें। तो ये क्या बन जाएगा, फिर एस्टर को हमने, ये आपको पेपर में रिएक्शन उसने दे दी। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमने इसको हटाना है, और ये देख रहे हो CH RCHO बन गया। तो कौन सा फिर बना, ये CH3 CH29 और क्या बन गया CH डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इस ये वाला एल्डिहाइड मेरा बन गया। ये रिएक्शन जो है इसमें मैंने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, डाइबाल H यूज किया गया है। 2 स्टेप हर बार होते हैं, एक बार रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरी बार हाइड्रोलिसिस। आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट्स, लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। और ये है अनडेकानाल है, अनडेकानाल बना हमारा अनडेकानाल। तो इसमें कितने कार्बन है, देख रहे हैं 9, 10, 11 कार्बन से, 11 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, कौन सा, डाइबाल। डाइबाल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको दिया गया है। ये स्ट्रक्चर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शो किया गया है कि ये क्या होता है। इस केस में क्या होता है कि हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, लेकिन हाइड्राइड आयन शिफ्ट बाद में होता है, पहले ये जो ऑक्सीजन है ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ती है, उसके बाद में फिर ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, जिसके कारण ये RCHO बन जाता है, RCHO। इसका मैकेनिज्म अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, तो वो बाद में हमने अलग से डिस्कस किए हुए हैं सारे मैकेनिज्म नेम रिएक्शंस में, अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्राइल्स को भी ये रिड्यूस कर देता है, नाइट्राइल्स को भी रिड्यूस कर देता है। और इसकी एक और भी, यहाँ पे ये नाइट्राइल है, अगर हमने ऐसे लिखा एग्जाम में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और आपको हमने लिखा एग्जाम के अंदर डाइबाल H और फिर लिख दिया H2O, तो प्रोडक्ट बताना है इसका। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये सब हमें पता ही है कि रिडक्शन, यहाँ पे एल्डिहाइड बनने वाला है, क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड। तो ये डाइबाल से भी हम कर सकते हैं, जो भी बनता वही है, एमीन बना था ना पहले, इसमें भी एमीन बनेगा, फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके, यहाँ पे देख रहे थे ना एमीन बनाया था मैंने CH डबल बॉन्ड NH, वो फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस होने वाली है, लेकिन डाइबाल H में हाइड्राइड आयन शिफ्ट पहले नहीं होता, बाद में होता है। पहले ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है एल्युमिनियम को देता है, तो एक तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और एल्युमिनियम जो होता है वो एक लीविस एसिड का काम करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, फिर बाद में हाइड्राइड आयन शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर हमें, हमने बना दिया स्टूडेंट एथेनॉल, ये क्या बना है, एथेनॉल फ्रॉम इथेन नाइट्राइल। और डाइबाल की क्या खासियत होती है कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उसे रिड्यूस नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैंने आपको पेपर में ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN और ये लिख दिया ऊपर डाइबाल एच और वाटर। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये वाला ग्रुप है जो रिड्यूस होने वाला है, लेकिन इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये ट्रिपल बॉन्ड को तो करता है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, लेकिन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2CH2 और CH। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, हमारा क्या बन गया इसमें स्टूडेंट्स, तो ये एल्डिहाइड बन गया। डबल बॉन्ड को इसने कुछ भी नहीं किया, डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाता है। तो एस्टर्स को और नाइट्राइल्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड्स में बाय यूजिंग डाइबॉल एच। कौन सा रिएजेंट यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, डाइबॉल एच। डाइबॉल एच, इसको भी नोट कर लो। तो मैं आगे चलता हूँ, ये रिएक्शंस मैंने बताई हैं जो क्वेश्चन पेपर में आई थी, वो इनका डिस्कशन मैंने किया है। ये है डाइबाल एच। तो डाइबाल एच का डिफरेंट अलग है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो उन हाइड्राइड आयन डायरेक्टली देते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल रिडक्टेंट होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्टेंट। वो डिफरेंट है, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्टेंट है, इसका मैकेनिज्म हमने पूरा यहाँ डिस्कस किया। और अगर NaBH4 जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वो H माइनस आयन डायरेक्टली देते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक रिडक्टेंट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिडक्टेंट होते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये नोट हो गया आपका, सारा आपने नोट कर लिया, ठीक है। मैंने जो रिएक्शन बताई ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से एक ना एक रिएक्शन एग्जाम में जरूर आएगी। आगे चलूं? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। आप देखो कि यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन पेपर में आने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इनको लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम बना रहे हैं, हम एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम, मैंने कहा था ये बेंजाल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जगह जगह बेंजाल्डिहाइड बन रहा है, तो कोई भी रिएक्शन पेपर में आएगी। बेंजाल्डिहाइड की प्रेपरेशन की बात चल रही है और ये पेपर में आएगा। आप, तुमने नोट कर लिया ये पेपर में आएगा? हां जी। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन इसको बनाने के कई मेथड बताए जा रहे हैं, एक मेथड थोड़ी बताए जा रहे हैं, बहुत सारे मेथड बताए जा रहे हैं। अब एग्जामिनर की मर्जी है वो कौन सा मेथड हमसे पूछेगा। अब एक रिएक्शन और मैंने लिख दी, इटार्ड रिएक्शन। ये सारी नेम रिएक्शन जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, इसकी सारी वीडियोस हमने अपलोड किए, देखना चाहो देख लो, उसमें मैकेनिज्म भी बताया गया। अब एक इटार्ड रिएक्शन की बात हो रही है। देखो यहाँ पर मान लो आपको क्वेश्चन में कह दिया कि ये लो, इसको कन्वर्ट करो बेंजोल्डिहाइड में, मैंने पेपर में लिखा, आपको क्वेश्चन आ गया ये कन्वर्ट। अब बताओ कि यहाँ पर आपको कन्वर्शन करनी है स्टूडेंट्स। ये इसका क्या नाम है, इसका नाम तुम्हें पता ही है, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। केमिस्ट्री को याद करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार रिवाइज करनी बहुत जरूरी है, भूल जाएंगे सारी फिर। क्या नाम है इसका, जल्दी से बताओ, सारे नोट्स दोबारा से देखते रहो, क्या लिखा है इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसको, टॉलवीन या मिथाइल बेंजीन? कितनी बार बताया ये टॉलवीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका क्या नाम है, बेंजाल्डिहाइड। वो कहेगा कन्वर्ट टॉलवीन इनटू बेंजाल्डिहाइड। तो देखो कि अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दूं तो फिर COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तुम्हें पता है कि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई तो CO कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पता ही है कि ये रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर मैंने इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दी तो क्या बनने वाला है, ये वाला कंपाउंड। इसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ, इसका नाम बेंजोइक एसिड। लेकिन मुझे ये नहीं बनाना, मुझे तो ये बनाना है, तो इसके लिए फिर मेरे को ऐसे इस ग्रुप को बचाना पड़ेगा, इस ग्रुप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड बनने के बाद फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसे रोकना पड़ेगा। यहाँ पर पहले भी मैंने रिएक्शन को रोका क्योंकि वो रिडक्शन कर रहा था, तो तुमने कहा तो अल्कोहल बन जाएगा, तो मैंने कहा मैं वो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज नहीं कर रहा, तो मैंने डाइबाल एच का यूज किया, स्टीफन रिडक्शन की, स्पेशल रिएक्शन सारी यूज की मैंने, रोजनमंड रिडक्शन की। रोजनमंड ने क्या डाला था? पॉइजन। कौन सा पॉइजन डाला था जल्दी से बताओ। PSO4 और सल्फर। हाँ, तो उससे क्या हुआ था कि रिएक्शन रुक गई थी वहीं, नहीं तो आगे रिड्यूस होता है। ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड। देखो क्रोमाइल क्लोराइड का नाम तुमने सुना है। क्रोमाइल क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में। क्रोमाइल क्लोराइड सारी केमिस्ट्री में कंपाउंड ही तो है इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कंपाउंड्स, कितने खतरनाक भी होते हैं, कितने डेंजरस भी होते हैं, कितने एक्सप्लोसिव जितने हैं सारे केमिस्ट्री से ही बन रहे हैं। और तुम्हें यह भी पता लग गया कि जो इंसेक्ट्स काटते हैं वो सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके शरीर के अंदर। वो जो काटते हैं ना वो हमारे शरीर पे केमिकल कंपाउंड छोड़ देते हैं, जिससे बड़ी इरिटेशन होती है और स्वेलिंग भी होती है। और उनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसमें वो कंपाउंड होता है, तो वो हमारे शरीर पे छोड़ देते हैं। जैसे कोई हनी बी भी काटती है तो चींटी भी काटती है, वो फार्मिक एसिड होता है। और भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल हैं कुछ के अंदर। वो एक कनखजूरा होता है, उसका कलर ये देख कर डरते हैं, वो भी ऐसा, उसके अंदर भी एक कंपाउंड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग जो कि वो छोड़ देता है हमारे शरीर पर। उसकी स्मेल भी बड़ी खतरनाक होती है। तो वो अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है इनके अंदर, वो अपने आप को बचाने के लिए उनके अंदर ये केमिकल्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं जब वो काटते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अपने आप को बचाते हैं उससे, उसके उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है सेल्फ प्रोटेक्शन का। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये अब क्रोमाइल क्लोराइड की बात चल रही है यहाँ पर। CrO2Cl2 ये इससे रिएक्ट करके एक कम्प्लेक्स बनाता है, इसे बोलते हैं क्रोमियम कम्प्लेक्स। अब ये CH ग्रुप वाला जो है ना, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो ग्रुप लग गया ना कम्प्लेक्स, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता बेंजोइक एसिड में। तो इसीलिए क्रोमाइल क्लोराइड का यूज मैंने किया है। कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ये रिएक्शन की जाती है। कहने का मतलब तुम्हें समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर मेरे पास है टोलुइन, ऐसे मैंने लिख दिया, अब और आसान कर दिया। समझ में आ गया? जरा दिमाग लगाना, अटेंशन देना, हर चीज पे अटेंशन देनी बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री है ये, फिजिक्स में भी, बायो में भी अटेंशन बहुत जरूरी है, दिमाग का खर्च करना है। देखो अब हम अपना दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट। वैसे क्रोमाइल क्लोराइड का अगर मैं लिखूंगा, देखो इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे दिखता है, ये 2 ऑक्सीजन लगी हुई है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है, ये क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। अब ये क्या करेगा? CrO2Cl2। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम बताएंगे तुम्हें हमारे कोर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट होता है जिसमें ये रिएक्शन की जाती है। ये पानी में नहीं की, मैंने डाला कार्बन डाइसल्फाइड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लिक्विड है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, ये 2 हाइड्रोजन है ना, ये भी गया और ये भी गया। ये रिएक्शन लिखनी है पेपर में, समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। और ये ऑक्सीजन इसका जो है, यहाँ पे देख रहे हो, एक ऑक्सीजन CRO वाला, और ये इसके साथ जुड़ने वाला है कार्बन के साथ O। तो फिर क्या बनेगा? 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन बची, और क्या लगा? 1 O लगा, और क्या लगा? क्या बचा फिर उसके बाद? ये इस कंपाउंड में क्या बना? ऑक्सीजन 1 गई, और क्या बना फिर? CrOCHCl2 और एक और लगी CrOCHCl2। 2 आए थे, 2 ये वाले 2 आए हैं, एक भी नहीं आया, 2 आए हैं। 1 हाइड्रोजन को ले गए हैं, और जिस तरह से कम्प्लेक्स बन रहा है, ये कम्प्लेक्स बन गया, एक कम्प्लेक्स बन गया है। इसको कहते हैं क्रोमियम कम्प्लेक्स। क्रोमियम कम्प्लेक्स मैंने बना दिया स्टूडेंट। अब ये क्रोमियम कम्प्लेक्स क्या करेगा? इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। H2O और H+ लिखा हुआ है, तो ये वाला यहाँ पर टूट के CHO रह जाएगा, और ये निकल जाएंगे बाहर, ये बाहर निकल जाएंगे ग्रुप्स। तो हमें क्या मिलने वाला है? ये बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O आ गया, और ये बन गया। तो देख रहे हैं कि क्या बन गया स्टूडेंट्स? बेंजल्डिहाइड बना दिया मैंने। क्या बनाया है? बेंजल्डिहाइड। तो फिर हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, जो यहाँ पर हमने शो किया। इसका नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। तो इस ग्रुप को हमने बचा लिया फर्दर ऑक्सीडेशन से। by using chromyl chloride further hydrolysis. ये एक मेथड मैंने बताया किसका, प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसको नोट कर लिया, इसको समझ में आ गया। जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूं एक से एक इंपॉर्टेंट है, कोई भी आएगी पेपर में। अब नेक्स्ट बता रहा हूं, ये रिएक्शन नंबर 1 बताई मैंने बेंजल्डिहाइड के लिए। सेकंड हमने क्या करना है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज करना है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने क्रोमियम ऑक्साइड को डायरेक्टली इसके साथ लगा दिया तो फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या होता है, CHO ग्रुप जो होता है ना, ये एकदम ऑक्सीडाइज होता है। किसमें होता है, COH ग्रुप में। तो हम टेस्ट जब देखेंगे उससे पता लगेगा कि ये ग्रुप बचने वाला नहीं है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। स्टूडेंट इसको रोकना है, तो इस ग्रुप को बचाने के लिए अब हमने क्या किया है, हमने यूज की है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब क्या होगा कि देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर है मेरे पास कंपाउंड, इसका क्या नाम है, टोल्वीन। अब मैंने डाली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या करता है, इसके बारे में तुम्हें बताइए, ये क्या करता है। ये इस ग्रुप को बचाएगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बना देगा। ये बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बना देगा। टेम्परेचर देख रहे हो कम है, 273 टू 280 केल्विन है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शंस के अंदर। ये जो बर्फ जमती है कितने पे जमती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, केल्विन में लिखा हुआ है ना 273 केल्विन, तो ऑलमोस्ट आइस टेम्परेचर है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर देख रहे हैं फिर CH2, एक H बचा और ये बना दिया OCOCH3 twice। ये बन गया बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बना दिया इन्होंने, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बना दिया स्टूडेंट। तो अब ये हमें इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे, स्टूडेंट वाटर और H+ की प्रेजेंस में वाटर और, तो ये बना देगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। एग्जाम में ये रिएक्शन लिखनी आएगी तो हमें लिखनी है इससे। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, इसको बोलते हैं बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बन जाता है, जिसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी। तो ये एक सेकंड मेथड मैंने बताया है, फॉर दी प्रेपरेशन। किसकी प्रेपरेशन की अभी तक मैंने, जल्दी से बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब ये आने वाला पेपर में इतने सारे मेथड दिखाए हैं बुक में, जब एक ही कंपाउंड को बनाने के कई तरीके बताए जा रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में। बात समझने की है। एक बार ये भी बताया जाए कि एनसीईआरटी किताब को कैसे पढ़ना है। देखो वो भी मैं एक बार बताने वाला हूँ कि कैसे किताब को पढ़ा जाए, इससे बहुत फायदा होगा। कि बुक में अंदर जब एक ही चीज के ऊपर ज्यादा पेज लिखे गए हैं तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आएगा। अब ये हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज किया, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं यूज करता तो फिर क्या होता, ये CHO नहीं बनता, COH में चले जाता, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता। तो अब मुझे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करनी, रोकनी है। जैसे कि मैंने रिडक्शन को रोका था, मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं किया था, DIBAL-H का यूज किया था। फिर उसने स्टीफन रिएक्शन की थी, पहले इमीन बनाया था, टिन क्लोराइड और HCl डाला था, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की थी। और उसके पहले रोजनमंड रिएक्शन दिखाई थी, ये याद हो गई तुम्हें अब? हाँ जी सर। ये तो हर साल आती है इसलिए बता रहा हूँ। आप तीसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। तीसरे मेथड में हमने क्या किया, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। आप देखो टोल्यूइन का भी नाम बार बार ले रहा हूँ ना, टोल्यूइन का तो कन्वर्शन में भी आ सकता है कि कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड। तो कौन से मेथड, मैंने ये तीसरा मेथड बता रहा हूं। अब इसमें क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन। तुम्हें पता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर उसमें मैंने क्लोरीन डाल दी और लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, क्लोरीनेशन हो जाती है, जिसका मैकेनिज्म भी हम कर चुके हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब क्या होगा कि ये देखो टोल्यूइन, फिर मैंने टोल्यूइन ले ली। टोल्यूइन कैसे बनाते हैं वो भी हमें पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन से बना सकते हैं। इसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ, टोल्यूइन। हाँ जी। अब आपने इसमें क्लोरीन डाल दी HμO, अब वो पेपर में उसने लिखा लो A, फिर उसने लिखा H2O, ठीक है। अब बताओ 373 केल्विन लिखा होगा। अब B, अब इसका रिएक्शन को कंप्लीट करना आ गया तुम्हें, मर्जी है एग्जामिनर की क्वेश्चन कैसे देता है। अब इसमें मैंने क्या बनाया, पहले ये क्लोरीनेशन हो रही है, यहाँ पर मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ बेंजाल्डिहाइड बनना है। देखो ये बेंजाल क्लोराइड एक कंपाउंड है, बेंजाल क्लोराइड। हर बार तुम एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे ये CH ग्रुप बचता है और उसको बाकियों को बचाने के लिए यहाँ पर कभी डाई एसिटेट आया, कभी डाई Cl आया और कभी वो CrO2 Cl2 का कम्प्लेक्स बना, यही हो रहा है। और उसके बाद सीधी हाइड्रोलिसिस ही होती है इसकी, यहाँ पर यहाँ तक पहुंचा, ये A है मेरा। और इसको वाटर को अगर मैं देखूं ऐसे दिखता है वाटर, देखो वाटर में H+ है और OH वाला माइनस है, वाटर ऐसे दिखता है मुझे। तो यहाँ पर क्या करेगा, CHO वाला CHO चले जाएगा इसके साथ, CHO बनने वाला है। तो ये मेरा B प्रोडक्ट बन गया, बेंजाल्डिहाइड बन गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने आपको 3 मेथड बताए हैं अभी तक। क्या बना रहे हैं, बेंजाल्डिहाइड। इसको नोट कर लो। अभी बेंजाल्डिहाइड की स्टोरी मैंने खत्म नहीं की क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा, पेपर में नहीं दिखेगा तुम्हें। अब मतलब क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, कुछ भी कर लो। ये सारे नोट हो गए तो मैं आगे चलूंगा। हो गया सर। अच्छा हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब एक रिएक्शन और बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक रिएक्शन है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। इनके नाम भी जिन्होंने बनाई थी रिएक्शन उन्हीं पे ही है, गैटरमैन-कोच। 2 आदमी हैं ये, 2 साइंटिस्ट हैं। कोच रिएक्शन, अब इसमें ये क्या करता है कि बेंजीन से कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन में तुम्हें ये भी दे दिया, जैसे क्वेश्चन क्या आया था, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजाल्डिहाइड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, देखो ये मेरे पास बेंजीन है स्टूडेंट्स, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, और मेरे पास यूज हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3। ये एक स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड होता है, हमने बहुत बार यूज किया है, और CuCl है। तो ये क्या करेगा कि ये CO ग्रुप यहाँ लगने वाला है बेंजीन रिंग के पास, और फिर हाइड्रोजन भी लगने वाली है। तो इसमें बनता है स्टूडेंट्स बेंजाल्डिहाइड। बस एग्जाम में तो मुझे यही लिखना था, दिस COHCl और दिस, बस इतना ही लिखना था। इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, गैटरमैन-कोच रिएक्शन यूट्यूब पर, उसमें मैकेनिज्म भी बताया गया है। अब इसको याद करने का एक तरीका बता दूं, कैसे याद रखा जाएगा, मैं भूल जाऊंगा एग्जाम में। तो कोई ना कोई तरीका हम यूज करते ही हैं किसी चीज को याद करने के लिए, शॉर्ट में कोई ट्रिक तो होनी चाहिए। अब अपने दिमाग को खोलो और सोचो कि यहाँ पर कोच दिख रहा तुम्हें, बोलो दिख रहा है? हाँ जी। कोच में तो एक चीज दिख रही है, ये CO दिख रहा है? हाँ जी सर। इसका मतलब CO यूज होने वाला है, यहाँ पे मेरे पास CO है। इससे मुझे याद हो गया कि अगर गैटरमैन कोच रिएक्शन आ गई पेपर में तो मुझे बेंजीन के ऊपर CO डालना है। ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा मैं, दिख रहा है? तो मैंने बेंजीन को CO के साथ रिएक्ट करना है, HCl और AlCl3 लीविस एसिड होता है, CuCl डाला तो बेंजाल्डिहाइड बन गया। इतना ही लिखना है पेपर में। याद हो गई रिएक्शन? हाँ जी सर। अब वो पूछेगा व्हाट इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे भी आता है पेपर में, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा राइट द इक्वेशन, कौन सा, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। जो नेम रिएक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो अब आपको कैसे लिखना है, फिर क्या करोगे, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं तुम्हें, जल्दी बताओ क्या लिखोगे। जो ऊपर लिखा वही तो लिखेंगे। हाँ तो बताओ, पढ़ के बताना है ना, वो तो मुझे समझ आई, जल्दी बताओ। बेंजीन, हाँ आगे, उसमें CO और HCl ऐड करेंगे और नीचे एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, फिर क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजाल्डिहाइड को बनाने के कितने सारे मैंने मेथड बताए हैं, इसका मतलब ये पेपर में आएगा। हर साल ही पूछा जाता, तो इसलिए इस बार भी मैंने कंफर्म कर दिया तुम्हें कि ये पेपर में आने वाला है, इसको सोच लो, इसको कर लो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बन गए एल्डिहाइड। अब हम कह रहे हैं कि कीटोन्स बनाने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स करनी है। और कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क हमें पता ही है क्या क्या है। ये अब इसमें एस तरह के ग्रुप आने वाले हैं, कीटोन में आने वाले हैं, बोलो जी। एक आर इधर है, दूसरी तरफ भी आर लगने वाला, सेम लगाऊं या दूसरा लगाऊं डिपेंड करता है कौन सा कीटोन बनाना है। अब एसिड क्लोराइड मैंने यूज किए थे एल्डिहाइड को बनाने में, लिए कौन सी रिएक्शन यूज की थी, रोजनमंड। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीगनार्ड रिएजेंट से बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कीटोन। तो पहला जो मेथड मेरा है प्रेपरेशन ऑफ कीटोन का, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मैं कह रहा हूँ एसिड क्लोराइड से बनाऊंगा, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड सी एल, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। इसको डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट किया जाता है। इसको मैं R1 लिख देता हूँ कि ये अलग हो जाएगा। तो डाई अल्काइल, ये कंपाउंड कौन सा है, इसका क्या नाम है, डाई अल्काइल कैडमियम। अब देखो कि ये कैडमियम एक मेटल होता है, कैडमियम क्या होता है, मेटल। तो ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव चार्ज ही होने वाला है। इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो, ये पॉजिटिव होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। इतना केमिस्ट्री में समझ गए तुम मुझसे। अगर ये नेगेटिव है तो ये कहाँ जाने वाला है, फिर ये तो इधर ही आने वाला है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ ही जुड़ने वाला है। तो अगर मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया स्टूडेंट, तो देख रहे हो ये तो R2 दो है और ये एक है, तो मैं इसको एक और ले सकता हूँ, R1 C डबल बॉन्ड Cl। तो फिर दो R ग्रुप मैंने कहा है, तो अब क्या करेंगे, एक इसके ऊपर लगा, एक इसके ऊपर। कैडमियम जो है उसको कितने चाहिए, 2 Cl चाहिए, तो वो 2 Cl अपने लेगा बाहर। तो क्या बन जाएगा, फिर क्या बन सकता है, इसमें बनने वाला क्या स्टूडेंट, तो ये ऐसे दिख रहा है मुझे, R1 C डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप आ गया अंदर, ये R2 वाला, प्लस C2 कैडमियम क्लोराइड बन गया। तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, बन गया कीटोन। तो एक मेथड ये हम दिखा रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम। और डाई अल्काइल कैडमियम को मैंने कैसे बनाया है, ग्रीगनार्ड रिएजेंट से। ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता ही है, RMVX। इसको कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करने पर डाई अल्काइल कैडमियम बनता है स्टूडेंट्स। और डाई अल्काइल कैडमियम को जब हम एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो हमें कीटोन्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, कीटोन्स। अब उसने क्या किया, आपके पेपर में क्वेश्चन दे दिया था, क्वेश्चन क्या दिया उसने, CH3COCl प्लस C2H5 ट्वाइस कैडमियम। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है, जल्दी से इसका प्रोडक्ट कंप्लीट करना है, रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट। क्या बनने वाला है, इसका प्रोडक्ट बताइए, इसका प्रोडक्ट एक मिनट सर। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। हाँ वो सही है, ठीक है। तो हमेशा ये दो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड बनता, तो ये दो, बस ये वाला प्रोडक्ट बन गया CH3CO। ये इसका क्या नाम है, उसे नाम ही पूछ लिया था पेपर में, क्या बना ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो क्या बन गया, 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4। तो फिर इसका क्या नाम है, कौन सा कीटोन है, ब्यूटेनन बन गया। आप सही आंसर दिया तुमने। तो मैंने ब्यूटेनन बना दिया। ये डाई अल्काइल कैडमियम जब भी कहीं आएगा, डाई अल्काइल कैडमियम और एसिड क्लोराइड, तो कीटोन प्रोडक्ट बताना है एग्जाम के अंदर। समझ में आ गई स्टोरी। तो एसिड क्लोराइड में अगर मैंने हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाल दिया तो क्या बना, एल्डिहाइड। और डाई अल्काइल कैडमियम डाल दिया तो क्या बना, कीटोन। और एक और भी बता रहे हैं, नाइट्राइल वहां भी मैंने यूज किए थे, नाइट्राइल यहाँ भी यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, नाइट्राइल यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। तो सेकंड मेथड जो है वो फ्रॉम नाइट्राइल है, ये कीटोन को बनाने का पहला मेथड मैंने बताया, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ। नाइट्राइल क्या होते हैं, ये मेरे नाइट्राइल है। अब इनको मैंने क्या यूज किया है, यहाँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज किया है स्टूडेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट स्टूडेंट एक RMGX बार बार लिखा मैंने, RMGX लिखा, इसमें बार बार ये कहा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये कहाँ पे जाएगा, ये पॉजिटिव कार्बन पे ही जाने वाला है, यहाँ पर ये वाला। तो मैंने यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज किया है, तो ये वाला जो है ये तरीके से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ही होता है मैग्नीशियम। तो ये नेगेटिव वाला कार्बन कहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हो C+N है। तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो इधर है खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव ही सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास ही जाता है। बोलो यस और नो। यस सर। इतनी केमिस्ट्री समझ में आनी शुरू हो गई कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे, पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी तरफ। और ईथर का यूज किया गया है क्योंकि पानी के अंदर तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ड्राई ईथर होती है, ड्राई ईथर, उसमें वाटर नहीं होता। वो ईथर ऐसा हाथ में डालते ही उड़ जाती है, पता है ना, वो बहुत ही हाथ में डालते ही उड़ जाती है ईथर, इतनी वो होती है वोलेटाइल। तो ये ईथर एक लिक्विड होता है, इसके साथ क्या बनेगा फिर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और N, ये डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड टूटने वाला है और डबल रह जाएगा NMGBr। अब यहाँ पर फिर जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो फिर पता मुझे ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है और यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया फिर, कीटोन बन गया, ये कीटोन बन गया स्टूडेंट्स। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, मैं इससे भी बना सकता हूं स्टूडेंट, इस मेथड से भी बना सकता हूं। देखो क्वेश्चन पेपर में क्या दे दिया था उसने, CH3 उसने दिया और आपको लिखा C+N, फिर उसने लिख दिया CH3MgBr एग्जाम के अंदर स्टूडेंट, और फिर उसने लिखा ईथर, और फिर उसने लिखा सेकंड में H3O+। बताओ इसका प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 30 सेकंड, जल्दी से इसको सॉल्व करो, क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट बताना है स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट बताना है तुम्हें। यहाँ पे तो देख ही रहा क्या हुआ है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप CH3, हाँ ये CH3 ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ने वाला है, हाँ डबल बॉन्ड हो, हाँ तो बन गया। इतना ही तो लिखना था पेपर में, और क्या हो गया। यहां से मैंने तरीका बता दिया, ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और ये बॉन्ड तोड़ूंगा, ऑक्सीजन लगा दूंगा। याद करने का मेथड समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो क्या बन गया, इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं। एक दो तीन कार्बन वाला कीटोन है, तो फिर क्या मुश्किल है। वैसे इसका कॉमन नाम आइसीटोन है, प्रोपेनन है, प्रोपेनन है, प्रोपेनन है। हो गया। हाँ जी। अच्छा लो, अब एक और मेथड देख लो, सबसे लास्ट मेथड पर आ गया। ये देखो, ये आपने फिर वो रिएक्शन देखी थी बेंजीन की, फ्रीडल क्राफ्ट्स, बेंजीन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट। तो जब कभी भी RC डबल बॉन्ड OCl होता है या C6H5C डबल बॉन्ड Cl होता है, ये आपके एसाइलेशन है। ये फिनाइल वाले हैं और ये मिथाइल वाले हैं या एल्काइल ग्रुप वाले हैं। अगर मैंने एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया तो क्या होता है, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग हो जाती है। तो उससे क्या बनेगा फिर, क्या कंपाउंड बनेगा। देखो यहाँ पर उसने आपको पेपर में दिया था ये क्वेश्चन, आपको दे दिया CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, इसका कंपाउंड का कंप्लीट करना है आपको और इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन 1 दिया मैंने, क्वेश्चन 2 दिया आपको, आपको दे दिया C6H5COCl ये थ्री मैंने गलत लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो हो गया। तो ये आपको पेपर में उसने दिए, अब इनके प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं, इनके प्रोडक्ट्स। तो 30 सेकेंड्स में आपको दोनों के प्रोडक्ट लिखने हैं। ये एनहाइड्रस AlCl3 मैंने दे दिया पेपर में, इसका प्रोडक्ट जल्दी से बताओ क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। बेंजीन के ऊपर CO C डबल बॉन्ड O CH3, नाम बताओ इसका, इतना इंपॉर्टेंट नाम है ये, बार बार इसके नाम तुम पढ़ चुके हो मुझसे, इस कंपाउंड का नाम बताओ। यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH3 की जगह C6H5। हाँ तो वो एक ही बात है, वो लिख दो या स्ट्रक्चर बना दो, एक ही है। इसका क्या नाम है, एसिटोफिनोन, बताया तो था तुम्हें कितनी बार, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। और ये क्या है, बेंजोफिनोन। जब मैंने IUPAC नेमिंग बताई थी बताया नहीं था फिनोन्स, फिनोन्स कौन से हैं, फिनोन जी, फिनोन जान में बेंजीन रिंग और CO ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग और CO ग्रुप लगा हुआ है। स्टूडेंट इनके नाम जब हमने पढ़े थे हमने कहा इनको फिनोन्स कहेंगे, देखो कॉमन नाम में बताए गए थे स्टूडेंट, फिनोन्स। समझ में आई, याद किया पुराने नोट्स को, देखा जी, बोलो जी, आ गया जी सर। Okay, then we are finishing our lecture here. We will meet you in our next class. By that time, I hope you will be revising. तुम इनको रिवीजन करिए और इनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, कोई अगर डिफिकल्टी आप उनको देख सकते हैं। Okay, then bye bye. We'll see you in the next class. Bye sir.